मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने रोगानुत्पादनी अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रारंभ किया था, जिसमें हमने वमन के वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग सप्रेशन ऑफ वॉमिटिंग कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विसर्प, हर्पीज जिसको बोलते हैं, स्प्रेडिंग स्किन डिजीज, कोट एलर्जिक स्किन रैशेज हो जाते हैं, कुष्ठ स्किन डिजीजेज, अक्षी रोग, आई डिसऑर्डर्स, आई डिजीजेज, कंडू, ईचिंग सेंसेशन, पांडू, एनीमिया और इनिशियल स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीजेज, ज्वर, फीवर, बुखार, कास, कफ, कोल्ड, खांसी, श्वास, अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हरुलास, नोजिया और प्री वोमिटिंग सिम्टम जिसको बोलते हैं या वोमिटिंग सेंसेशन, व्यंग, पिगमेंटेड पैचेज ऑन फेस, श्वेतु, इडीमा, इन्फ्लेमेशन। तो इसका आगे ट्रीटमेंट के बारे में बात चल रही थी, तो ट्रीटमेंट में गंडूश करवाएंगे, गार्गलिंग करवाएंगे, धूमपान करवाएंगे, हर्बल स्मोक देंगे, रुक्ष आहार वमन करवाएंगे, ईटिंग ड्राई फूड एंड इंड्यूसिंग वोमिटिंग, व्यायाम करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, अश्रुश्रुति, ब्लड लेटिंग, रक्त मोक्षण इन केस ऑफ स्किन डिजीजेज ओनली, विरेचन कर्म करवाएंगे, परगेशन टाइप ऑफ पंचकर्म ट्रीटमेंट। इसके अलावा जब सप्रेशन ऑफ वॉमिटिंग कॉज पित एम्बेलेंस, देन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अबव इज टारगेटेड टू बैलेंस और एलिमिनेट पित्त। जब सप्रेशन वमन के वेग को रोकने से जब पित्त विषम अवस्था में आ जाता है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका एम क्या रहता है, केवल पित्त को बैलेंस करने का। नेक्स्ट है वीर्य के शुक्र के वेग को रोकने से होने वाले रोग, शुक्रात तत्श्रवणम, गुह्य वेदना, श्वयतु, ज्वरा, हृदय व्यथा, मूत्र संग, अंग भंग वृद्धि, अश्मशंडता। यहाँ पे अंग भंग दोबारा आया है, ये मूत्र में, शुक्र में और शुदा में तीन बार अंग भंग शब्द आ चुका है, याद रखेंगे। श्रवण का अर्थ है ओजिंग ऑफ सीमेन। गुह्य वेदना, पेन इन ग्रोइन रीजन, पेनिस में और ब्लडर एरिया में या टेस्टिस एरिया में उधर पेन होना। श्वयथु, इडीमा और इन्फ्लामेशन। ज्वर, फीवर, बुखार। हृदय व्यथा, कार्डियक पेन और डिस्ट्रेस। मूत्र संघ, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन एंड डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। क्या कहता है, अंग भंग, बॉडी एक और माइलेजिए, ये आप सभी को पता है। वृद्धि, हर्निया की कंडीशन बोलता है। अश्म, स्टोन फॉर्मेशन, पथरी हो जाना। शंडता, इम्पोटेंसी हो जाना। इसके ट्रीटमेंट के बारे में क्या बात करता है, ताम्रचूड, कहता है मुर्गे के मांस रस का सेवन करना चाहिए। सुरा, बियर और अल्कोहल लेना चाहिए। शाली, राइस का सेवन, चावल का एक क्वालिटी है शाली चावल, उसका सेवन। बस्तिया भंग, मसाज टू द लोअर एब्डोमेन। अवगाह, इमर्शन बाथ विद ऑयल। बस्ती शुद्धि, क्लीनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विद एनीमा। शीर, ट्रीटमेंट विद मिल्क प्रोसेस विद हर्ब्स। प्रिय स्त्री या कॉपुलेशन के लिए बोलता है और कहता है प्रिय स्त्रियों के सेवन के लिए बोलता है। यहाँ पर पंच तृण मूल से सिद्ध दूध पीने को देना चाहिए। क्या कहता है, प्रेयसी होने से शुक्र स्वयं जल्दी प्रवृत्त होता है। स्त्री शुक्र को प्रवृत्त करने वाली होती है। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, असाध्य रोग के बारे में बात करता है। बेटा असाध्य रोग किसे कहते हैं, नॉट टू बी ट्रीटेड। इसमें कहता है कि त्रिट शूलार्थ त्यजेत क्षीणम विडवम्बम वेग रोधिनम। जो तृष्णा मतलब प्यास से, हु हैव इंटेंस थर्स्ट एंड पेन, जिसको प्यास बहुत लगी है और जिसको दर्द बहुत हो रहा है, कहता है दोज हु वोमिट फिशिज कंडीशन हैज़ गोन आउट ऑफ कंट्रोल। जो मल का, पुरुष का जो वमन करता है, कहता है हु आर सीवियरली इमेशिएटेड, जो कृश क्षीण हो गए हैं बहुत ही खतरनाक तौर पर, ऐसे रोगी की चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। क्या कहता है कि वेग रोध जन्य रोगों में कर्तव्य कि रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कहता ऑल डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू वेगोदीर्ण।
इनिशिएशन ऑफ अर्जिज फोर्सफुली, मूत्र आया नहीं है लेकिन मूत्र त्याग करने का प्रयास करना, मल आया नहीं है लेकिन मल त्याग करने का प्रयास करना, वेग धारण, मूत्र आया है लेकिन उसको कर नहीं रहे हैं, सप्रेशन ऑफ नेचुरल इनिशिएटेड अर्जिज, क्या कहता है, फॉर दोज कॉमन डिजीजेज अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्ट्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैव बीन काउंटेड सो फार, कहता है कि अनुपस्थित वेग को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं। कहता कि वेग धारण से जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा हरेक की हरेक जगह बतला दी गई है, क्योंकि वात जो वेग को रोकने से, जो वात अनेक प्रकार से कुपित होता है और अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वेग रोकने से उत्पन्न विकारों में वात का अनुलोमन करने वाला खान पान एवं औषध बरतने चाहिए। कहता वात का अनुलोमन क्या है, वायु को अपने मार्ग में प्रवृत्त करना, जहाँ जो उसका कार्य है उसी कार्य में उसको लगाना। क्या कार्य है वात का, श्वास उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्ष गति मतम वायु कर्म विकार जम। कहता है सांस लेना और छोड़ना, श्वास उच्छ्वास निश्वास चेष्टा, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना, ये सभी इसी वात के कारण है। कहता है इस वात को अपने मार्ग में प्रवृत्त करने वाली औषध को देना, उसे वात अनुलोमन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता आचार्य, श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धारियेत तु सदा वेगान हितेशी प्रत्यचहिच लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग आदि नाम जितेंद्रिय। अब तक हमने अधारणीय वेगों के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन अब धारणीय वेगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेग हमें धारण कर लेने चाहिए। कहता है कि लोभ, लोभ माने ग्रीड, ईर्ष्या एनवी, द्वेष हेटर्डनेस, मात्सर्य जेलस, राग अनलॉफुल और एक्सेसिव अट्रैक्शन, ये जो पांच यहाँ पर वेग बतलाए इनको हमें धारण किए रहना चाहिए। कहता है कि ईर्ष्या दूसरे के उत्कर्ष को न सहना, राग विषय में बहुत ही अट्रैक्ट हो जाना, मात्सर्य दूसरे के शुभ के साथ, दूसरा कोई अच्छा हो रहा है जिसके साथ उसमें द्वेष करना, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। कहता वात आदि मलों का यथाकाल शोधन, कि जब जिस दोष का समय आए उसे उसी समय पे शोधित कर देना चाहिए। क्या कहता है मलों के शोधन के लिए, कहता है हमें यथा समय प्रयास करते रहना चाहिए, वन मस्ट एक्सरसाइज प्रिकॉशन टू क्लियर आउट दोष एंड वेस्ट प्रोडक्ट एट सुटेबल टाइम्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सच टॉक्सिन्स कुड लीड टू देयर एग्रीवेशन एंड सब्सिक्वेंटली इवन डेथ में अकर ड्यू टू दिस। कहता है जब मल का संचय अधिक मात्रा में हो जाए और वह क्रुद्ध होकर विषम होकर दोष हमारे जीवन का नाश भी कर सकते हैं। क्या कहता है, लोभ आदि का वेग रोकना आवश्यक क्यों है, दोषा कदाचित कुप्यन्ति जितालंघन पाचनई ये तू संशोधनई शुद्धा न तेषां पुनः उद्भव। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बेटा, यहाँ पे ये शोधन की क्या महत्व है। कहता है कि शोधन से दोषा कदाचित कुप्यन्ति जितालंघन पाचनई, लंघन और पाचन एक कर्म है जिसके द्वारा डिजीजेज को क्योर किया जाता है, जो दोष हमारे विकृत अवस्था में हैं उन्हें सम अवस्था में लाया जाता है। कहता है कि लंघन पाचन से हो सकता है दोष दोबारा कुपित हो जाएं, लेकिन ये तो संशोधन शुद्ध न तेषाम पुनः उद्भव, लेकिन यदि वमन विरेचन आदि पंचकर्म करवाया जाए तो ये दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं। कहता है द दोषा दैट आर बैलेंस्ड आउट बाय लंघन फास्टिंग एक्सेट्रा एंड पाचन डाइजेशन प्रोमोटिंग थेरेपीज मे समटाइम्स गेट रीएग्रीवेटेड रीअकरेंस सून, हाउएवर दोषा दैट हैव बीन एलिमिनेटेड आउट विद शोधन पंचकर्म थेरेपी
विल नेवर गेट रीएग्रीवेटेड, वो दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होते। आफ्टर प्रॉपर पंचकर्मा प्रोसीजर एट सुटेबल टाइम्स, रिजुविनेशन ट्रीटमेंट, रसायन थेरेपी शुड बी टेकन अप विद सुटेबल टॉनिक्स एंड एफ्रोडीजिक्स। क्या कहता है आचार्य? कहता है संशोधन के पश्चात रसायन प्रयोग, संशोधन के उपरांत काल को समझने वाले वैद्य क्रम के अनुसार तथा योग के अनुसार सिद्ध रसायनों को तथा वृक्ष योगों को बरतने के लिए कहता है। मैंने आपको अभी बताया कि जब पंचकर्मा पूर्ण रूप से हो जाए अच्छे से और सुटेबल टाइम हो तो हमें रसायन और वाजीकरण और टॉनिक्स को लेना चाहिए। क्या कहता है? पथ्य आदि की विधि के बारे में बताता है। भेषज क्षिपित पथ्यम आहार ब्रिंगणम क्रमात् शाली षष्टिक गोधूम मुद्ग मास घृतादि भी हृदय दीपन भैषज्य संयोगात रुचि पक्तिदयी साभ्यंग उद्वर्तन स्नान निरूषणे वस्ति भी। कहता है कि ब्रिंगण आहार नरिशिंग इटेबल्स सच एज षष्टिशाली राइस दैट मेच्योर इन 60 डेज, गोधूम वीट गेहूँ, मुद्ग ग्रीन ग्रैम हरी दाल, मांस मीट घृत घी, मेडिसिन विद हृदय कार्डियक टॉनिक और दीपन डाइजेस्टिव और कार्मिनेटिव्स क्वालिटीज शुड बी मिक्स्ड विद फूड एंड टेकन। अभ्यंग करवाना है, ऑयल मसाज उद्वर्तन पाउडर मसाज करवाना है, स्नान हर्बल बाथ लेना है, निरुवस्ती एनिमा ट्रीटमेंट देना है, स्नेहवस्ती ऑयल और घी से एनिमा ट्रीटमेंट देना है। ऑल दीज हेल्प टू रिस्टोर हेल्थ ऑफ द डेब्लिएटेड। कहता है जो मनुष्य क्षीण हो गए हैं ये उनको दोबारा क्षीणता से दूर करता है। बाय दीज मेजर्स वन कुड गेन हेल्थ, और इन सब का प्रयोग करने से मनुष्य हेल्थ को, हैप्पीनेस को, गुड इंटेलिजेंस को, इन सब को प्राप्त करता है। क्या कहता आचार्य? जब पथ्य का सेवन करेगा, पथ्य आदि विधि का सेवन करेगा तो कहता है उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उसके सुपरिणाम होंगे, जैसे हेल्थ हमारी सुख मिलता है, अग्नियां हमारी प्रदीप्त होती, गुड इंटेलिजेंस हैप्पीनेस क्लैरिटी ऑफ विजन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स इंटेलिजेंस सेक्सुअल विगोर एंड लॉन्गविटी। कहता है इंद्रियों में निर्मलता आती है, वृषता आती है तथा दीर्घायु प्राप्त होती है। कहता है आगंतुक रोग के बारे में बताते हैं, डिजीज इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, और आगंतुक रोग किसे कहते हैं? ट्रॉमेटिक डिजीज और कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। कहता है कि ये भूत विष वायु अग्नि अक्षत भंग आदि संभवा राग द्वेष भय आदिश्च ते स्युरागवंतो गदा। कहता है अवॉइडेंस, आपको भूत एविल स्पिरिट्स बैक्टीरिया पैरासाइट्स इंसेक्ट्स एंड सच माइक्रोब्स विष पॉइजन्स को बोलता है, एयर वात को, हरिकेन और साइक्लोन को, अग्नि फायर इलेक्ट्रिकसिटी रेडिएशन एक्सेट्रा, अक्षत इंजरी वुंड्स एक्सेट्रा, भग्न फ्रैक्चर ऑफ बोन्स एक्सेट्रा एज आल्सो दोज ड्यू टू राग डिज़ायर और लस्ट के कारण, किसी के पीछे पड़ जाना, द्वेष हेटर्डनेस के कारण, भय फियर के कारण एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज आगंतुक डिजीजेस, आगंतुक रोग अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल कॉजेज। अब नेक्स्ट क्या कहता है? आगंतुक रोगों से बचा कैसे जाए, जनरल ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस, कि ये जो सर्व रोग सामान्य चिकित्सा है, जनरल ट्रीटमेंट भी बोलता है हर एक उसका। कहता है कि प्रज्ञा अपराध का त्याग, का अवॉइडेंस ऑफ इम्प्रॉपर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पीच बाय विलफुल ट्रांसग्रेशन ऑफ रूल्स। कहता है कि इंद्रियों की शांति, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, रिमेम्बरिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिंग राइटली। कहता है कि स्मृति हमारी, देश काल और आत्मा का ज्ञान, गुड नॉलेज ऑफ द हैबिटेट सीजन एंड सेल्फ, अपने बारे में जानना और देशकाल के बारे में जानना। कहता है एडहेरेंस टू रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट एंड रिचुअल्स, सद्व्रत का पालन करना। कहता है पीसफुल प्रोसीजर्स एज मेंशन्ड इन अथर्ववेद, कि अथर्ववेद में कही शांति, प्रतिकूल ग्रह का पूजन,
भूत आदि स्पर्श से बचने की पृथक पृथक कही विधि, वर्शिप ऑफ सेलेस्टियल पावर्स, ग्रह शांति, स्टेइंग अवे फ्रॉम भूत एविल स्पिरिट माइक्रोब्स, रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट फॉलोड एज द पर द प्रिंसिपल एक्सप्लेन अबव आर द जनरल गाइडलाइंस टू ट्रीट ऑल टाइप ऑफ डिजीजेज। निज और आगंतुक रोगों को न उत्पन्न होने देने के लिए तथा उत्पन्न रोगों की शांति के लिए इन सब विधियों का संक्षेप में आचार्य ने कह दिया है। कहता है कि फिर ये रोग से बचने का उपाय क्या है कि शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोधयन ग्रीष्म अभ्रकाले घनाते वार्षिकम माशु सम्यक प्राप्नोति रोगा नृत्य जान जातु। कल मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर हमें शोधन कर्म कब कराना चाहिए, टाइम ऑफ फॉर पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्या है। तो कहता है कि द एक्यूमुलेटेड दोष अराइजिंग फ्रॉम विंटर, कि जो हमारे शीतकाल, विंटर माने शीतकाल, उसमें जो दोष बढ़ते हैं उनका वसंत ऋतु में। और वसंत में भी कहता है कि पहले वसंत में जैसे माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख, तो चैत्र में ही शोधन करने के लिए बोलता है। दैट अराइजिंग फ्रॉम ग्रीष्म, और जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो रोग उत्पन्न हुए, जो दोष उद्वेलित हुए, बढ़ गए, शुड बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग वर्षा ऋतु, अभ्रकाल में कहता है। और वर्षा के भी वर्षा में जैसे श्रावण और भाद्रपद है, तो भाद्रपद में कहता है कि जो आपकी शरद ऋतु प्रारंभ होने वाली है उससे पहले इसका शोधन करने के लिए। दैट अराइजिंग फ्रॉम रेनी सीजन शुड बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग शरद ऋतु, और जब वर्षा ऋतु से द्वेष बढ़ जाए तो उनका शरद ऋतु में अंतिम ऋतु के अंदर उसका शोधन करना चाहिए। कहता है कि इस प्रकार शोधन करने से ऋतुजन्य रोग कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। आपको दोबारा बता देता हूँ, शीतकाल में कफ दोष का शोधन करने के लिए वसंत ऋतु में करें, ग्रीष्म में वात का संचय हो जाने पर उसके बाद वर्षा ऋतु में शोधन करें, वर्षा ऋतु में दोष संचित होने के बाद शरद ऋतु में शोधन करें। इस प्रकार से आप शोधन करेंगे तो ऋतुजन्य रोग कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। क्या कहता आचार्य? सारांश देता है, सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ कहता है, नित्यम हित आहार विहार से भी समीक्षकारी विषय आवश्यकता दाता समय सत्य पर क्षमावान आप तुप सेवी च भवते रोग इति श्री वैद्य सिंह गुप्त शून श्रीविद भागवत विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थाने रोगानुत्पादनीय नाम चतुर्थ अध्याय। कहता है कि जो हु इंडल्स, जो सदैव हित आहार हित विहार का सेवन करने का स्वभाव वाला, हु इंडल्जिज डेली इन हेल्दी फूड्स एंड एक्टिविटीज़, हु डिस्क्रिमिनेट्स द गुड एंड बैड ऑफ एवरीथिंग, जो सोच विचार करके कर्तव्य को पालन करने वाला, विषयों में न फंसने वाला, दोज हु एक्ट्स वाइजली, हु इज़ नॉट अटैच्ड टू मच टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, जो इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों में न फंसता हो, सब प्राणियों में तथा सब अवस्थाओं में समबुद्धि रखने वाला, हु डेवलप्स द चैरिटी द हैबिट ऑफ चैरिटी ऑफ कंसिडरिंग ऑल एज इक्वल ऑफ ट्रूथफुलनेस। कहता है सत्यनिष्ठा वाला, सहिष्णु तथा आप्त पुरुषों का सेवन करने वाला मनुष्य सदा रोगी निरोगी रहता है। कहता है जो ट्रूथफुलनेस, सच बोलने वाले, सच का साथ देने वाले, ऑफ पार्डनिंग एंड कीपिंग कंपनी ऑफ गुड पर्सन्स, और अच्छे लोगों के साथ रहने वाले, आप्त पुरुष लोगों के साथ रहने वाले, बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेज। इस प्रकार विद्योतनी टीका में रोगानुत्पादनीय नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। रीड राइट लर्न मार्क, टोटल चैप्टर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। रीड राइट लर्न मार्क, आप लोगों को ये चारों काम खुद से कर लेने हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही देंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ।